नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजियाना न्यूज। मैं शेखर उप्पल आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों की तरफ। राधोगढ़ जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम चोपड़ा के आज ग्रामीण पहुंचे जिलाधीश कार्यालय। यहां पर ग्रामीणों ने अपने रोजगार सहायक खड़क सिंह पर लग रहे आरोपों की निष्पक्षता से जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि विगत 15 अगस्त को भी षड्यंत्र पूर्वक रोजगार सहायक खड़क सिंह को फंसाने की कोशिश की गई थी। इसके बाद जाते हुए निर्दोष पाए, लिहाजा उन्हें फिर से षड्यंत्र पूर्वक 376 के मामले में फंसाने की कोशिश की जा रही है, जिसकी निष्पक्षता से जांच हो और दोषियों पर कार्रवाई की जाए। मामला यह है कि रावगढ़ जनपद पंचायत के तहत एक पंचायत आती है चोपड़ा, जिसमें हमारा रोजगार सहायक कार्यरत है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खिलाफ एक षड्यंत्रकारी तरीके से 376 का केस बनवा दिया गया है। इसके चलते हम आज गुना में मुख्यालय पे हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को ज्ञापन देने के लिए आए हुए। मामला कुछ नहीं था, आज से 15 अगस्त के टाइम पे जो अभी निकला है पीछे, उसमें उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत रात को झंडा लगाने का बोला था। वो केस दर्ज भी किया था, बाद मीडिया में भी बहुत आई थी, लेकिन जब उसकी जांच कराई गई तो वो फर्जी निकला। तो उसी के साजिश का एक दूसरा पार्ट ये है कि इसमें भी साजिश के तहत 376 लगवा दिया गया है, और इसमें हम ये चाहते हैं वरिष्ठ अधिकारियों से निष्पक्ष जांच हो। जांच में अगर हमारा GRS दोषी पाया जाता है तो उस पर केस दर्ज किया जाए, नहीं तो उसको बेवजह परेशान कर रही है अभी पुलिस। स्वामी विवेकानंद युवा मंच के तत्वावधान में आज शहर में भारत जागो दौड़ का आयोजन किया गया। यह दौड़ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी खेल परिसर से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई गुजरी। यहां पर बच्चों और बुजुर्गों ने हजारों की संख्या में दौड़ में भाग लिया। इस दौड़ की शुरुआत भगवा ध्वज लहराकर की गई। गौरतलब है कि आज ही के दिन 125 वर्ष पूर्व स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में धर्म सम्मेलन में अपना उद्बोधन दिया, जिसकी 125वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज भारत जागो दौड़ का आयोजन भी किया गया। किसी ने सच ही कहा है कि जब आप किसी को शिद्दत से चाहें तो सारी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। ऐसा ही एक मामला आज सामने आया आरोन निवासी अभिलाषा भार्गव और अखिलेश रघुवंशी के साथ। अपर कलेक्टर की अदालत में आज विवाह करने पहुंचे दोनों।
कई दिनों से कई लोग इन दोनों के विवाह में बाधा बन रहे थे, कभी परिजन तो कभी रिश्तेदार, कोई ना कोई इनकी मोहब्बत में रुकावट पैदा कर ही रहा था। पर उस समय सारी रुकावटें खत्म हो गई जब अपर कलेक्टर की अदालत में कानूनी तौर पर दोनों को पति पत्नी बना दिया गया। लड़की एवं लड़के पक्ष के रिश्तेदार एवं परिजन पूरी तरह से इस विवाह के खिलाफ थे। उसके बाद भी आज अपर कलेक्टर नियाज अहमद ने इन दोनों को विवाह सूत्र में बांध कर एक अलग ही मिसाल पेश की। सामने देखो एक बार, बधाई हो, बधाई स्वाद है बहुत, बोलो मिठाई खिला दो, तुम दोनों खिलाओ एक दूसरे के बाद करवा देना। ये यहाँ कोर्ट में दे दूँ या कोर्ट में दे दूँ उनको बाबूजी को? दीदी आप भी जी पहले सब बताए सब पता परेशानी सब मदद करी भाई साहब, हमने सबने मदद की, सब बढ़िया हुआ, कोई परेशानी नहीं। क्या नाम है आपका? अभिलाषा जी। अभिलाषा बताएं क्या मामला था ये आज आपने शादी करी? कुछ मामला नहीं, क्या आपके अपनी मर्जी से ही किए? आपके परिजन तैयार नहीं थे? नहीं। क्या कह रहे थे? वो इनकार कर रहे थे करने से, इसलिए मैंने अपनी मर्जी से की। इसमें आपकी मदद किस किस किन किन लोगों ने करी, मतलब कैसे आपने हिम्मत जुटाई? नहीं है भाई, भाई साहब ने करवाई। कौन ने? आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं महिला बाल विकास अधिकारी के आपसी झगड़े का नुकसान उठा रहे मासूम बच्चे। यह मामला सामने आया ग्राम कमलापुर के आंगनवाड़ी केंद्र से, जहां कमलापुर के आंगनवाड़ी केंद्र की संचालक महिला बाल विकास की तरफ से हटाने के नोटिस दिया गया है। इसके बाद भी वह आंगनवाड़ी की चाबी किसी और को सुपुर्द नहीं कर रही है, जिसका खामियाजा बच्चों को उठाना पड़ रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। कुछ सामान नहीं दे रहा है। क्या समस्या आ रही थी आपको यहाँ? मुझे जो समस्या आ रही थी कि मैंने ना शिवराज सिंह जी 27 तारीख को आए थे, उसमें मैंने अपने मानदेय बढ़ाने के लिए बोला, कुर्सी पे खड़ा होकर इसलिए बोला। मैं गांव की हूँ, कोई शहर की तो नहीं ना, मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ। मेरे दिमाग में आज बोला सबके लिए घोषणा कराए तो कार्यकर्ता को लिए क्या सौगात लाए हो? यही बोला है। आप पढ़ी लिखी की बात कर रहे हो? अरे पहले कम पढ़ी लिखी भी हो जाती थी, सौगात क्या लाए हो? हम बहनों के लिए क्या सौगात लाए हो? हमें 5,000 रुपये मिल रहे हैं, हम 9 बजे से 4 बजे तक काम करते हैं, हमें भी कुछ देके जाओ। इतना कहना गुनाह है कि आप बताओ? हाँ मैंने जो गुना किया था, मैं गुना बार बार करूंगी, हटने के बाद भी करूंगी, फिर भी लड़ूंगी मैं कार्यकर्ता हूँ। उसके बाद जेल मैडम चेक करने के लिए आई, सामान नहीं है, नहीं है। मेरी परेशानी ये है, दारू पीते हैं, दारू की बोतलों में बाथरूम भर भर कर जाते हैं, उनके बच्चे पीते हैं, बोलने के कारण परेशानी आती है। चीज़ रखते तो सामान चुरा ले जाते हैं, 2 बार चोरी हो चुकी है। ऑफिस वालों के पास जाते हैं, लिखित में देने तो कहते हैं कि ना पुलिस में जाओ, थाने में जाओ। आपके पास तो लिखित में होगी ना? आपने लिखित में ली नहीं ना? तो आपके आज आपको लेटर दे दी हटाने के लिए? आपको लेटर उन्होंने लिखित में नहीं दिया। आज आप कितने बजे आए थे आंगनवाड़ी, ये बताओ? आज मैं 9 बजे ही आ गई थी आंगनवाड़ी। तो ये ताला क्यों नहीं खोला, क्या कारण? ताला हटाने का नोटिस दिया है तो मैंने तो मेरा रिपोर्ट लेने आई, तो मुझे कोर्ट जाना पड़ेगा अगर। तो बच्चे नीचे बैठे हैं जमीन पे? अभी मैंने चार्ज नहीं दिया ना। अच्छा, मैडम चार्ज दिलवाऊंगी तो सब सामान दे दूंगी। अरे तो बच्चों की क्या गलती है? बच्चों को तो आप बैठाल के फर्श दे दी थी, कब सुबह से बैठे होंगे बच्चे, उनको एक फर्श तो दे देते। वो नीचे तो चोरी हो गया भैया, फर्श पहले सामान रख चुकी थी। बच्चों से ही बात करी मैंने? मैडम एक मिनट, बच्चों से ही मैंने बात करी, छोटे बच्चे हैं, झूठ नहीं। उनने भी ये बोला हम जमीन पे ही बैठते हैं, फर्श या तरी कोई चीज नहीं है। जमीन पे बैठते हैं बच्चे? दरी मिलती है, फर्श कह रही हूँ ना, सामान एक बार रख चुकी, ताला टूटा है, सब चोरी हो चुका, दूसरी बार फिर बात गलत बोल रही हो, चोरी नहीं हुआ सामान, तुम्हें पता नहीं भैया, तुम नहीं आए भोजन की बात है। स्वामी विवेकानंद के शिकागो के धर्म सम्मेलन में दिए हुए वक्तव्य के आज पूरे 125 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। इस उपलक्ष्य में आज विभिन्न जगहों पर कई सारे कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। इसी क्रम में स्थानीय कस्तूरबा कन्या महाविद्यालय में प्रधानमंत्री के वक्तव्य को आज प्रसारण के जरिए छात्राओं को सुनाया गया। साथ ही महाविद्यालय का पूरा स्टाफ भी वक्तव्य सुनने के लिए मौके पर मौजूद था। हर नौजवान के मन में रहता है मेरे मां-बाप को इस धर्म में मान कराऊं,
पहले सोचा है फिर देना है। आज हमारे महाविद्यालय के सभी स्टाफ के सदस्य और छात्राएं सभी लोग एकत्रित हुए थे। प्रधानमंत्री जी का जो आज कार्यक्रम है, स्वामी विवेकानंद जी का जो शिकागो में व्याख्यान हुआ था, साथ ही आचार्य विनोबा भावे जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के उनके जन्मदिवस पर एक जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था, यंग इंडिया न्यू इंडिया कार्यक्रम, जिसमें प्रधानमंत्री जी के संभाषण हुए, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा है। और हमारे युवाओं ने, हमारी जो छात्राएं हैं, उन्होंने बहुत तन्मयता के साथ इसको सुना है। और हमारा यही प्रयास रहेगा कि प्रधानमंत्री जी ने जो बातें बताई हैं, जो स्किल्स की बात की हैं, कौशल विकास की बात की हैं और स्वच्छता की बातें की हैं, हम सभी उनके इन न केवल व्यक्तव्य को ध्यान में रखेंगे बल्कि उसको अपने जीवन में भी अपनाने का पूरा प्रयास करेंगे। और छात्राएं भी हमारे साथ इसमें सहयोग देंगे। धन्यवाद। 11 साल से वार्ड क्रमांक 12 में नहीं बनी है कोई भी सीसी रोड। जी हाँ, जामनेर ग्राम पंचायत के वार्ड क्रमांक 12 में 11 वर्ष से किसी भी सरपंच द्वारा सीसी रोड का निर्माण कार्य नहीं कराया गया। वहीं वार्ड क्रमांक 12 के हरिजन मोहल्ले में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिससे मोहल्ले वासियों में बीमारियों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। मोहल्ले वासियों ने भी कई बार कलेक्टर से इस बारे में गुहार लगाई, लेकिन आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। कई बार सीएम हेल्पलाइन पर भी शिकायत की गई, लेकिन हालात जस के तस। सभी जगह से मिलता रहा इन मोहल्ले वासियों को सिर्फ आश्वासन। आश्वासन के बाद आज तक ना ही इनका कोई काम हुआ है, ना ही सीसी रोड डली है और ना ही गंदगी ही साफ हुई है। इंडिया न्यूज़। ऊपर इतना नीचे नहीं हुआ, ऊपर हुआ का। कितने साल पहले हुआ था? 11 साल पहले। 11 साल पहले। उसके बाद कोई खड़ंजा नहीं? कोई खड़ंजा नहीं है। क्या क्या परेशानी आ रही है आपको? हमें इतनी परेशानी आ रही है कि हमारे बच्चे बीमार है और हिड़वे फिरवे में हर एक दिक्कत आ रही है हमें। हर एक दिक्कत आ रही। कभी सरपंच के पास गए आप? हाँ, गए थे कई बार, जा ही रहे। क्या बोला उन्होंने? कहते आज बन बारा काला आ जा रहा है, काला आ रहा, सामान लेकर आते नहीं है, शिकायत कर आगे शिकायत। कितने बार हो गए आपको? कितने दिन हो गए आज आए हुए सरपंच के पास? सरपंच को ना 15 दिन, एक महीना 15 दिन। अबे 15 दिन ही भाई। नाम है आपका? मदन लाल रजक। कब से रह रहे हैं आप इस गली में? 30 साल से। कभी खड़ंजा नहीं हुआ? नहीं हुआ है, थोड़ा सा ऊपर करके और छोड़ दिया नीचे। कितने साल पहले हुआ था ये? 10-11 साल पहले। तब से खड़ंजा नहीं? नहीं हुआ। तो इससे आपको क्या क्या परेशानी आ रही है? ये हो रही है कि इस मोहल्ला में उल्टी, दस्त और मलेरिया और मच्छरों से ज्यादा दिक्कत आ रही है। ज्यादा दिक्कत आ रही है। तो कभी आपने सरपंच से बात की? मैंने हर 15 रोज में सरपंच साहब के पास जाता हूँ, वो कहते हैं कि अभी 2 खड़ंजा निपट जाने दो, जिसके बाद आपका खड़ंजा हो जाए। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं। कब गए थे अभी आप? अभी 15 रोज पहले गया था। तो क्या बोला सरपंच साहब ने? बस दूसरे खड़ंजा निपट जाने दो, फिर आपका ये गली का खड़ंजा हो जाएगा। अभी तक कोई खड़ंजा नहीं? कोई खड़ंजा नहीं। जामनेर से हमारे सहयोगी अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। किस तरह से स्वास्थ्य विभाग खाना पूर्ति कर महज लोगों के ऑपरेशन करके अपने सिर्फ टारगेट पूरा करता है, और टारगेट पूरे करने के फेर में ये भूल जाते हैं कि सही से ऑपरेशन हुआ है कि नहीं। हम बात कर रहे हैं नसबंदी शिविर की, जहां पर कई बार इस तरह के घटनाक्रम देखने को मिला है कि नसबंदी का ऑपरेशन होने के बाद भी महिला गर्भवती हो जाती है। ग्राम छूबर के निवासी 40 वर्षीय अंतर सिंह भील की पत्नी फूलाबाई ने एक पुत्र एवं पुत्री के जन्म के बाद 2015 में मधुसूदनगढ़ स्वास्थ्य केंद्र में 16 फरवरी 2015 को नसबंदी शिविर में नसबंदी कराई, जहां पर ऑपरेशन डॉक्टर बी एल कुशवा ने किया। लेकिन नसबंदी के एक वर्ष बाद ठीक 25 जुलाई 2016 को एक लड़के का जन्म हो गया। जन्म के बाद से ही अंतर सिंह एवं फूलाबाई न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं, लेकिन आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई।
कई बार जन सुनवाई में भी उन्होंने आवेदन दिया, लेकिन आज तक आश्वासनों के अलावा उन्हें कुछ भी नहीं मिला है। यही नहीं, उन्होंने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पे भी कई बार शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद भी आज दिनांक तक उन्हें ना ही कोई आर्थिक मदद मिली है, ना ही कोई आश्वासन ही मिला है जिससे उनका कोई इलाज हो पाए। न्याय की तलाश में अंतर सिंह भील अपनी पत्नी के साथ 1 साल 3 माह से दर दर भटक रहा है। समझ से परे है कि क्या सिर्फ टारगेट पूरा करना ही ध्येय रह गया है सरकारी योजनाओं का, कि वाकई में अमली जामा पहनाना भी जरूरी है। क्या नाम है आपका? जोर से बोलो, क्या नाम है? कहाँ से हैं आप? झूमर से। झूमर से। क्या हुआ आपके साथ? ऑपरेशन फेल हो गया। पहले से कितनी संतान है आपको? एक लड़का एक लड़की। एक लड़का एक लड़की। उसके बाद ऑपरेशन करवा लिया था? हाँ। तो ऑपरेशन पे कुछ लाभ मिला था? नहीं मिला। तो उसके बाद ये संतान हुई है? तो उसके बाद आपने किसी से शिकायत की? तो कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं। आपका? अंतर सिंह। कहाँ से हैं आप? झूमर से। तो कब हुई थी आपकी पत्नी की नसबंदी? 2015 में। 2015 में कहाँ पे हुई थी? मकसूदनगढ़। मकसूदनगढ़। तो इसके बाद फिर दोबारा डिलीवरी कब हुई? एक साल बाद में। तो आप फिर कौन से डॉक्टर से जाके मिले थे? वो मतलब मैं नाम हाँ मकसूदनगढ़ से, मतलब ये भोपाल के डॉक्टर है ना, बड़े डॉक्टर, वो अब उनका नाम थोड़ा याद कम है मैं, कुशवा माने ऐसे बताया, मतलब कुशवा डॉक्टर ऐसे बड़ा डॉक्टर भोपाल वाले, उनने ऑपरेशन करी। तो फिर क्या हुआ? जो नसबंदी फेल हो गई। फेल हो गई। तो उसके बाद आप कहाँ कहाँ गए फिर? फिर मैं जो कलटरी में गयो, मैं सोमून ने की हो जाएगा तेरे काम बैठा, पर सीएम ऑफिस में गयो, सीएम ऑफिस में जाकर मैंने आवेदन लगाया, वहाँ पे उनने की हो जाएगा काम। कलेक्टर ऑफिस कब गए थे आप? मैं 1 साल से बल्कि ज़्यादा हो गए, जब ये लड़का नहीं जन्म हुआ था, गर्भवती। हाँ, जब से परेशान हूँ। कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं हुई। जामनेर से हमारे सहयोगी अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। आरोन नगर में भाजपा महिला मोर्चा की बैठक संपन्न हुई, जिसमें आरोन के सुनीता परिहार को मंडल अध्यक्ष चुना गया। जिला अध्यक्ष शांति योगी के नेतृत्व में यह बैठक का आयोजन किया गया। किस विषय को लेकर पूछा? ये महिला मोर्चा की बैठक थी, जो पहली बैठक थी, और ये मंडल अध्यक्ष बनाई उसके लिए यहाँ बैठक करी। तो आज क्या है, गठन करना था महामंत्री का, पाँच अध्यक्ष बनाने थे, पाँच मंत्री बनाने थे, दो अध्यक्ष बनाना था, तो आज गठन हो गया। उसमें किन के लिए चुना, किन के लिए चुना आपने? राम कन्या यादव, वो मंडल अध्यक्ष सुनीता परिहार। इस तरह की भेंट है, दोनों दोनों को मिली थी? हाँ, ग्यारह मंडल। अभी यहाँ किस किस जगह कर चुकी है? अभी बैठक किस किस जगह कर चुकी है? ये शुरुआत है। तो शुरुआत आ गई। हाँ, आरोप की कार्यकर्ता अच्छी है, नगर सीट है, इसलिए पहली बैठक। आरोप से हमारे सहयोगी राकेश जैन की रिपोर्ट। प्रकृति के खेल निराले होते हैं, कोई समझ नहीं सकता प्रकृति क्या करने वाली है और कैसे करेगी। ऐसा ही एक मामला देखने को मिला मधुसूदनगढ़ में, जहां पर एक महिला ने अपने बच्चे को जन्म दिया। जन्म के समय ही बच्चे की आंख सर के ऊपर थी, वो भी सिर्फ एक आंख। हालांकि जन्म के तुरंत बाद ही बच्चे की मृत्यु हो गई है। महिला का स्वास्थ्य सामान्य बताया जा रहा है। इसका जो कारण रहता है कि जो महिला है प्रेगनेंसी, जब इनको पता पड़ती है कि प्रेगनेंट हो गई है, इसके बाद ये फॉलिक एसिड की गोली नहीं खाती है। फॉलिक एसिड की कमी के कारण ऐसा होता है,
दूसरी बात, अगर समय रहते ये पता पड़ जाता है तो ये बच्चा जो है आज इन्होंने 8-9 महीने तक पाला, तो समय रहते इसको बच्चे को गिराया जा सकता है, जिससे इसको महीना पहला को भी 6 महीने इसने पीड़ा झेली है वो नहीं होता। समझ आती, लेकिन इसने कोई सोनोग्राफी नहीं करवाई, किसी से इलाज नहीं करवाया, इसने फोलिक एसिड की गोली नहीं खाई। इसमें सबसे ज़्यादा गलती जो किसी भी मानी आई महिला की स्वयं की गलती। तो सर ये महिला की हालत अब कैसी है? महिला तो स्वस्थ है। मधुसूनगढ़ से हमारे सहयोगी टोनिशा की रिपोर्ट। क्षेत्रीय सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पेश की एक अनूठी मिसाल। अपने साथ यात्रा कर रहे एक यात्री की तबीयत बिगड़ने पर उन्होंने रेल मंत्री से फोन लगाकर ट्रेन को रुकवाई, साथ ही एम्बुलेंस की व्यवस्था कर उस महिला की जान भी बचाई। पूरा मामला यह है कि क्षेत्रीय सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर से दिल्ली जा रहे थे, वहीं शताब्दी ट्रेन में अचानक उनकी सहयात्री महिला की एक तबीयत खराब हो गई, जिसके चलते सिंधिया ने रेल मंत्री पीयूष गोयल को फोन लगाकर वहीं तत्काल ट्रेन रुकवाई, साथ ही एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की। बताया जा रहा है कि महिला अब स्वस्थ है। इस तरह की मानवता दिखाना हर नेता के लिए एक सीख है। जिस तरह से उन्होंने एक महिला यात्री की जान बचाई, डीजे आने में आज बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।